सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर क्या होता है? सिबिल एक कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी आपको एक स्कोर प्रोवाइड करती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि किस चीज़ का स्कोर? स्कोर रिलेटिंग टू योर क्रेडिट वर्थनेस। अगर आप किसी सामान को लोन पर परचेज कर चुके हैं और अगर आप उसका रीपेमेंट टाइम टू टाइम करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर बढ़ते जाता है, और वहीं अगर आप उसके रीपेमेंट में कोई भी डिफॉल्ट करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर कम होते जाता है। और अगर आगे भी आपको कोई सामान लोन पर परचेज करना है तो सिबिल स्कोर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो आपकी लोन की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, नहीं होगा तो लोन की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इवन लोन की एप्लीकेशन के अलावा भी जितना अच्छा आपका सिबिल स्कोर रहेगा उतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। सिबिल स्कोर एक 3-डिजिट नंबर होता है जो कि आपकी क्रेडिट वर्थनेस को शो करता है, जो कि स्टार्ट होता है 300 से और एंड होता है 900 पर। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से अबव है तो आपकी लोन की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, क्योंकि उसे एक्सीलेंट स्कोर माना जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारा सिबिल स्कोर कम होगा तो हमें लोन नहीं मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ CMA काजल तलरेजा, एंड आज मैं आपको वो 7 ways बताने वाली हूँ जिसमें आपका अगर सिबिल स्कोर कम भी है तो भी आपको लोन मिल सकता है। इसमें सबसे फर्स्ट है शो रिकॉर्ड्स ऑफ टाइमली रीपेमेंट ऑन एग्जिस्टिंग बिल। जैसा कि हम जानते हैं आपके जो एग्जिस्टिंग लोन है उस पर आप कैसा रीपेमेंट कर रहे हैं वही आपका सिबिल स्कोर बनाता है। अगर आपका कोई लोन चल रहा है एंड आप उसके जो EMIs है उसे आप प्रॉपर टाइम पर पे कर रहे हैं तो आपका सिबिल स्कोर बढ़ेगा, और अगर आप उसके रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट कर रहे हैं तो आपका सिबिल स्कोर कम हो जाएगा। इसीलिए अगर आप कोई लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे पहले आप सबसे पहले ये इंश्योर हो जाएं कि आपके जो एग्जिस्टिंग बिल्स हैं आपके क्रेडिट कार्ड के या फिर लोन के, उनकी EMIs को आप प्रॉपर टाइम पर पे करें। इससे ये होगा कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो इंक्रीज हो जाएगा और आपको लोन मिलने की चांसेस बढ़ जाएंगी। सेकेंड है प्रेजेंट एविडेंस ऑफ इनकम टू सपोर्ट लोन रीपेमेंट एबिलिटी। बहुत सारे लेंडर्स जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं वो आपके सिबिल स्कोर के साथ साथ आपकी सैलरी और आपकी इनकम को भी कंसिडर करते हैं लोन देने से पहले। तो अगर आप कोई हैं जिसका सिबिल स्कोर कम है तो आप उन्हें अपने बैंक स्टेटमेंट को एज अ प्रूफ दिखा सकते हैं कि आपकी जो सैलरी है या आपकी जो इनकम है वो सफिशिएंट है आपके लोन को पे करने के लिए। इससे ये होता है कि आप जो आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है वो सिक्योर हो जाता है कि आप अपने लोन का रीपेमेंट टाइम पर कर देंगे। थर्ड है अप्लाई फॉर अ लोन फ्रॉम एन NBFC। अगर आप कोई हैं जिनका सिबिल स्कोर कम है और आपको पता है कि अगर आप प्राइवेट बैंक्स में अप्लाई करेंगे तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा, तो इस केस में आपको NBFC में अप्लाई करना चाहिए लोन के लिए, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक से, और ये कम सिबिल स्कोर वालों को भी लोन देते हैं। बस इसमें एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि जो ये इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो प्राइवेट बैंक से थोड़ा सा हाइयर होता है। फोर्थ पॉइंट है ऑप्ट फॉर अ लो पर्सनल लोन अमाउंट। अगर आप बैंक से कम सिबिल स्कोर में बहुत ज़्यादा हायर लोन अमाउंट की डिमांड करते हैं तो वो आपको रिस्की कस्टमर मानते हैं, क्योंकि कम सिबिल स्कोर के साथ आपको इतना ज़्यादा पैसा देना कोई भी रिस्की कंसिडर करेगा। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप कम अमाउंट का लोन लीजिए और उसे आप टाइम पर रीपे कीजिए। इससे आपके 2 फायदे होंगे, एक तो आपका सिबिल स्कोर भी बढ़ेगा, दूसरा आप बैंक के लिए एक ट्रस्टवर्दी कस्टमर बन जाएंगे। तो उसके बाद अगर आप कभी भी बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट के लोन की डिमांड करेंगे तो वो आपका अप्रूव कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका सिबिल स्कोर तब तक काफ़ी अच्छा हो गया होगा। 5th point है गेट अ गारंटर और अप्लाई फॉर अ जॉइंट लोन। अगर आप लोन लेना चाहते हैं एंड आपका सिबिल स्कोर कम है तो आप उसमें बैंक को या फिर जो भी लेंडर हैं जो आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं आप उन्हें एक गारंटर प्रोवाइड कर सकते हैं अपने बिहाफ पे, या फिर आप एक जॉइंट लोन भी ले सकते हैं, बट उस पर्सन के साथ जो जिसकी सिबिल स्कोर काफ़ी अच्छा है तो उसके बेसिस पे आपको भी लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस इसमें आपको ध्यान ये देना है कि जो आपका गारंटर है उसकी जो सिबिल स्कोर है वो भी अच्छा हो और जो उसकी क्रेडिट हिस्ट्री है वो भी अच्छी हो। 6th point है अप्लाई फॉर अ सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन मतलब ये होता है कि जहाँ पर आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है उसके अगेंस्ट आप कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे लेंडर इंश्योर हो जाते हैं कि अगर आपने रीपेमेंट नहीं भी किया तो आपकी कोई सिक्योरिटी उनके पास है जिससे वो अपने लोन को रिकवर कर सकते हैं। अगर इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ तो अगर आपकी सिबिल स्कोर
कम है और आप लोन लेना चाहते हैं, तो आप उसके बदले बैंक पे अपना गोल्ड या फिर कोई एसेट्स, जैसे कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उसे आप लोन के अगेंस्ट पे उन्हें प्रोवाइड कर दीजिए। तो अगर आपका सिबिल स्कोर कम भी होगा तो वो इंश्योर रहेंगे कि आपका रीपेमेंट हो ही जाएगा, इससे आपको लोन लेने में ईजी होगा। सेवेंथ पॉइंट है, रिजॉल्व एरर्स इन योर क्रेडिट रिपोर्ट्स। जो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट है, जो आपकी सिबिल स्कोर को शो करती है, उसे आप हमेशा 6-6 मंथ के अल्टरनेटिव्स में चेक करते रहिए, ताकि वो अपडेटेड रहे, और अगर उसमें कोई एरर है तो उसे आप सॉल्व कर पाएँ, ताकि वो आपके सिबिल स्कोर को इफ़ेक्ट ना करे। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है बैंकिंग रिलेटेड या कुछ भी रिलेटेड, तो आप उसके अगेंस्ट तुरंत कंप्लेन रजिस्टर करें, ताकि आपका सिबिल स्कोर कम ना हो, क्योंकि अगर कोई फ्रॉड होता है तो आपके सिबिल स्कोर पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप इंश्योर करें कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है तो आप उसे रिपोर्ट करें, ताकि आपका सिबिल स्कोर इफेक्ट ना हो। एट द एंड मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको लोन लेना है तो सिबिल स्कोर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। आप सिबिल स्कोर कम होने के बाद भी लोन ले सकते हैं, और उसके साथ साथ आप अपने सिबिल स्कोर को बना भी सकते हैं। थैंक यू, विश यू वेरी गुड लक।